मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ जो भविष्य का धाम है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है और जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले भगवान शंकराचार्य करके गए थे। ये भूमि है साक्षात नारायण के कलयुग के अवतार की। जब धरती पर कलयुग चरम पर होगा, बद्रीनाथ भगवान लुप्त हो जाएंगे, तब प्रकट होंगे भविष्य बद्री। हाल फिलहाल में आपने जोशी मठ के बारे में बहुत खबरें सुनी होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे भूमि दशा हो रहा है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा शहर नीचे की तरफ जा रहा है। आप इसे इत्तफाक मान लीजिए या फिर भविष्यवाणी मान लीजिए कि आज जो जोशी मठ में हो रहा है, ऐसा शंकराचार्य ऐसी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जहाँ बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ पे है नर नारायण करके दो पर्वत, तो जब वो नर नारायण पर्वत मिलेंगे तब बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाएगा और फिर बद्रीनाथ मंदिर की जगह लेगा भविष्य बद्री, जहाँ पे आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नरसिंह भगवान का मंदिर। कहा जाता है कि जब इस मंदिर में मौजूद जो मूर्ति है उसकी एक भुजा अब कमजोर होते होते जब वो टूट जाएगी, जब वो खंडित हो जाएगी, तब बद्रीनाथ भगवान जो बद्रीनारायण जो आज के बद्रीनाथ मंदिर है उनका रास्ता बंद हो जाएगा और फिर भविष्य बद्री उत्पन्न होगी। तो सारे तीर्थ स्थान रहे ना रहे पता नहीं, तो बोला गया भाई तो फिर कहाँ होगा पूजा, तीर्थ स्थान के लिए जगह कहाँ बचेगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है ध्यान अवस्था में ही उन्होंने अंदर से अनुभव किया कि जो है हिमालय के गोद में किसी क्षेत्र में राज्य के जो है प्रकट होने। मूर्ति के बारे में बताइए, जो शिला है ये इतना ही शिला है जो आज से 30-35 साल पहले यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि प्लेन से शिला में ये जो संयंत्र बना हुआ है जहाँ पे हम लोग रहते हुए हैं, ये मूर्ति में होना सबसे शुभ पूजा है, क्योंकि कोई भी मूर्ति में संयंत्र है तो उनको तुरंत बताया गया। ये संयंत्र कब देखे तो उस समय जो फूल रखा हुआ है ऊपर वो फूल भी नहीं रखते थे और नीचे की जाते अच्छा, अच्छा, तुरंत अच्छा बिल्कुल प्लेन था ये। और 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आज के समय में जब हम बाबा जी के पास जब चर्चा होता है वो बताते आज ये जमीन से चिपका हुआ था ऊपर उठ गए। अच्छा, जमीन से चिपका हुआ था ये ऊपर उठ गए और ये अंदर की ओर चले गए। धीरे धीरे मूर्ति अपने आप ही है, अब ये मूर्ति ऑटोमेटिकली जो बताया ना पहले प्लेस था ये पूरा खाली पत्थर ही था खाली सजा हो गया। अब यहाँ पे ये जो आकार बने इस अवस्था में बैठे हैं नारायण जी की बेहद खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं।